रागनी सुनना चाहता है वो सुन ले, और जो नू सोच रहा है भाई पता ना कि गुंडा काम कर दूंगा स्टेज पे कुछ गलत कर दूंगा, तो वो तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। वो रागनी सुनाता हूं जिस रागनी ने इस रागनी जगत की रूपरेखा ही बदल दी। हिंदुस्तान का शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को बनाने के लिए काबुल गया, एक बटियारी की सराय में जाकर शरण लेता है। कमरे का किराया था 4 आने, 1000 रुपए में कमरा ले लिया। देखो जो उठना चाहता है बिल्कुल उठ लो, मैं बढ़िया बात सुना रहा हूं कि दूसरे का मजा क्यों खराब करो। हाँ हाँ बेटा जाओ। अरे सुनो कभी बाद में न सोचो कि हम आ जाएंगे डांस करवाएगा मैं चौधरी, इम मैं करवाऊं भी कौन यहाँ डांस डूंस, इम बढ़िया रागनी सुनाऊंगा। जाइए जाइए कोई बात नहीं, आप तैयार हो जी सुनने के लिए, एक बार ताली बजा के मेरा हौसला बढ़ा दो। कमरे का किराया था 1000 नहीं 4 आने, लेकिन सुभाष ने 1000 रुपए दिए। एक कमरे में जाके सुभाष सो गया। 1 घंटे बाद एक पुलिस वाला आया, बोला सोने वाले खड़ा हो। आंख मलता हुआ सुभाष खड़ा हुआ, कहता है कि हजूर कहिए क्या बात है पुलिस साहब। पुलिस वाला बोलिया अरे हजूर के बच्चे मेरे को पता चला है कि तो हिंदुस्तानी है, बिना वीजा पासपोर्ट के मेरे काबुल देश में आया, चल तुझे आतंकवादी करार करके तुझे को बंद करूंगा। लेख बताते सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सोने की घड़ी थी, घड़ी खोल के पुलिस वाले को दे दी, पुलिस वाला चला गया। अब ये बटियारी सोचती अपने मन में ये परदेशी तो बड़ा पैसे वाला है और भी माल ले रहा होगा, क्यों ना मैं इसे मार दूं और इसको मार के इसके धन को मैं अपना कर लूं। एक बड़ा सा खंजर लिया, और जब भारत माँ का शेर सुत्या पड़ा था सुभाष चंद्र बोस की छाती में वो खंजर मारने लगी। भारत माँ के ऐसे करने वे लोगों सुभाष चंद्र बोस की आंख खुल जाती है। बटियारी का हाथ पकड़ लिया, अरने बोले बटियारी मन ने मारे है, अरे धोखा दे के परदेसी ने डाट्या ना करते और घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते। मार ले छत्री उजात का, मार ले मरने तक कोने डरूंगा, लेकिन बटियारी मन ने मार के तो न्यू रोवेगी जुक कर मेरे देश में कुत्ते ने मार के बनजारा रोया। जब यह कहावत सुनी आख्या में पानी आ गया बटियारी के, खंजर हाथ से छूट के नीचे गिर गया, आज जोड़ लिए पाए में पड़गी। ने बोली रे भाई यह कहावत तो बहुत सुनी कुत्ता मार बनजारा रोया, पर देखे न्यू बता दे बनजारे ने क्यों मारा कुत्ता, मार दिया तो मार दिया फिर पाछे रोया क्यों। हरियाणा के सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने एक रागनी बनाई काबुल के अंदर सुभाष चंद्र बोस बटियारी को एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन एक ही रागनी में आपको फिल्म से दिखा दी। क्या कहता है सुभाष सुनिए। अरण्य बोलिया के हम छतरी रजपूत जात के, मारे नाम मरने कटाला दखे इब मारे से सर रोवेगी उस पण जाने की ठाला, हम छतरी रजपूत जात के नाम मरने कटाला जात के।
352 सर की उसके सबते लंबा लारा भाई सारे के वो खर्च करे था मोटा था सहुकारा बालकपन में एक पाल्या पिल्ला जो लगे जानते प्यारा रे बालकपन में पाला पिल्ला लगे जानते प्यारा बनजारे ने एक पिल्ला पाल लिया और पिल्ला कैसा माथे टिक्का गले में पट्टा माथे टिक्का गले में पट्टा बाकी का रंग काला का जिक्र करूं एक लखी था बंजारा 352 सर की उसके सबते लंबा लारा सारे के वो खर्च करे मोटा सहुकारा बालकपन में एक पाड़ा पिल्ला जो लगे जानते प्यारा और कुत्ते के माथे पर टिक्का गले में पट्टा बाकी का रंग काला निबलाई मारेगी फिर रोएगी बंजारे की हाड़ा। सन 1902 की बात सजनों सच्ची कहानी सुना रहा हूं भाई साहब। हेलो इन्हें बोलिए ये रागनी सुन ले स्वाद आ जाएगा पूरा मोबाइल ने छोड़ दे। थैंक यू मेरे भाई समझदार हो आप। 1902 की बात लाहौर शहर का रहने वाला था लखी मंजारा। 1902 में भारत आजाद कोने हो या गुलाम था सजनों लाहौर पंजाब में पड़ता था पंजाब में। अमृतसर से मात्र 22 किलोमीटर है लाहौर और लाहौर बहुत प्यारा शहर जो आज पाकिस्तान में चला गया पंजाब में हुआ करता था पहले। और जहां बैठे हो यो भी हरियाणा को ना था यो भी पंजाब ही था। 1 नवंबर 1966 को दक्षिणी पंजाब कट के अपना ही हरियाणा बना था। इसका मतलब लखी मंजारा अपना ही था अपने इस वतन का ही था। लोगों इतना पैसे वाला था। अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम हुआ था नारनौल के पास एक सिलारपुर गांव पड़ता है बंजारे उस गांव में और मुझे पता चला उन्होंने स्पेशल इस रागनी को सुनकर प्रोग्राम दिया और उन्होंने बताया कि हम लखी बंजारा के वंशज है। 5 बार रो रो कर रागनी सुनी मेरे तया सजनों इतना पैसे वाला था। आज भी आपके हरियाणा में यहां तक बंजारे के बनाए कुएं मिलते हैं बावड़ी मिलती है इतना पैसे वाला था। एक चेचक की महामारी आ जाती है लाहौर में सारा लाहौर खाली हो गया बंजारे का टांडा मर गया सारा सब किमे खत्म हो गया। देखो अगर गांव में एक दो समझदार है तो इस भाई नहीं सबने डिस्टर्ब कर रहा है इन्हें रोक लो प्लीज ये के पैर पकड़ लो चाहे हाथ जुड़ वाले पैर पकड़ वाले यार इतनी शराब तो मैं कान में गिर लूं जितनी पी के तू बह करा है हद कर दी यार तने प्लीज तने तेरे बालका की कसम लगे कौन है यो तो बालाजी से फिर इन्हें कोई ना सजनो बर्बाद हो जाता है बंजारा सारा कुंबा मर गया बस वो कुत्ता बचा बंजारा बचा। अपने मन में सोचिए अगर तू यहां रहा तो तू भी मरेगा ये कुत्ता भी मरेगा। लाहौर तक चल पड़ा चलता चलता उत्तर प्रदेश आगरा जड़े ताजमहल है। आगरा नगरी सेठों की नगरी हुआ करती थी लालाओं की एक किरोड़ी मल सेठ कने आ जाता है लखी मंजारा। आज जोड़ के बैठ गया निबला लाला जी मेरा यो काम कर दे चलते चलते शहर आगरे में आया भाई डलती फिरती छाया हो टोटे ने घना सताया। लाला जी एक लाला जी पे आके उसने अपना कर्ज कटाया है। लाला जी पे आके उसने अपना कर्ज कटाया। किरोड़ीमल सेठ के आगे हाथ जोड़ के बैठ गया
बोला लाला जी तेरा बड़ा नाम सुना, तू पैसे उधार देता है? सेठ बोला हाँ भाई देता हूं, आप अपना परिचय दीजिए कौन हो? बोला भाई मैं लक्खी बन जा रहा हूं। बताते जो लक्खी बन जा रहे का नाम सुना सेठ ने एकदम अपने दड़े तक गद्दी तो उछल के बैठ गया। बोले लक्खी बन जा रहा, भाई तू इतना पैसे वाला है मेरे दौरे के मजाक करने आया है? बोला सेठ टेम बदल गया, कदे इतना धन था, आज एक फुट्टी कोड़ी भी कोने कोई व्यापार कर लूंगा, कुछ रुपये उधार चाहता हूं। सेठ बोला भाई बनजारे मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा एक नियम है, पहले कुछ गिरवी धर गहने धर और रुपये ले जा। कोई भी चीज नहीं थी, कुत्ते कने नजर गई। बोला लाला जी एक चीज से अनमोल इन्हें गहने धर ले, अरे टोटे में मरू मेरी दया कर ले। बोला के धरेगा? लाला जी मेरे कुत्ते ने गहने धर ले। बोले अच्छा भाई कितने पीछे लेगा? बनजारा बोला भाई 20,000। उस टाइम के 1902 के 20,000, सोचो आज के 20 लाख भी कम पड़ेंगे, इतनी बड़ी माया थी। 20,000 का नाम सुन के बिदक गया सेठ, बोले ला कुत्ता गिरवी गहने धरे है, लेबरा ना जर्मन से फटना लिशेशन ना किया यो, 20,000 मांगे है। गुस्सा आ गया, बोला बनजारा सेठ यो मेरा टेम बिगड़ गया। अरे बावड़े जब मेरा टेम बढ़िया था, 20,000 बावड़े इसके देखने के भी कोने लू मैं, आज तेरे धोरे गहने धरू। सेठ के मन में विचार आया, तेरा नाम सुना है, ईमानदार आदमी है तू, चल ठीक है कुत्ते ने छोड़। और तिजोरी खोली भाई 20,000, अरे 20,000 रुपए दे के, वो ये 20,000 रुपए दे के दिया कुत्ता छोड़ रुखा। कुत्ता रख लिया, बनजारा खड़ा होकर चलिया। सेठ बोलिया भाई बनजारे 20,000 लेकर तो जा रहा है, देगा उल्टे कद? बोला साहब 6 महीने में दे दूंगा। सेठ बोला मैं तेरी इज्जत करूं, 6 महीने में दे तो मैंने ब्याज ना चाहिए तेरा। अरे 6 महीने पूरे हो गए दे के करेगा? बनजारा बोलो बोले भाई दुगुने दूंगा। बोला ठीक से जा। सजनों 6 महीने का करार करके 20,000 में कुत्ता गहने धर के आ जाता है बनजारा। कुत्ते की खुराक 5 किलो दूध, 50 रोटी और बोटी बाटी भी तुम्हें खाता होगा। खूब दाऊ सेवा करते लक्खी बनजारे का कुत्ता है, ईमानदार है, बढ़िया है। 6 महीने पूरे हो गए, बनजारा को नहीं आया। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 साल हो गया लोगो, बनजारे का पता को नया। इवो सेठ कुत्ते ने रोटी खवावे आधा सर आधा रोवे, हसे तनु फद्दू बना के लिया 20,000 कड़े तो पूरी करेगा, और रोवे नु कड़े तो पूरे होंगे तेरे पीछे। बुंडा हाल हो गया, कुत्ते की खुराक कम कर दी, दूध की जगह पानी मिला के देने लग गया, 2-4 रोटी गिरे, बेगोरा कर दिया कुत्ता, कुत्ता भी कमजोर हो गया। अब 1 साल बाद लाला जी के घर में घटना घट गई, भगवान ने ऐसे करने करे के कहानी बनी के बताया तो। जब धन काढ़िया ओ कुत्ता खड़ा गाल में है, चोरा ने जब धन काढ़िया ओ कुत्ता खड़ा गाल में, ओए चोरा ने धन
पेड़ी पट्टी वो कुत्ता लाया माल ने रे पेड़ी पट्टी कुत्ता लाया माल ने। आज तो बैंक बैलेंस बनाते लोग, सोना चांदी है तो बैंक में लोकर ले ले है, तिजोरी मिल जाए बैंक में। लेकिन पुराने जमे में ये बड़े बूढ़े बैठे जाने हैं, बैंक कोने थे अपने धन को गांव में कोई बड़ा सेठ है उसके यहाँ रखवा देते थे। 7 पीढ़ी की कमाई तिजोरी में थी, चोर गए बड़ा ताला तोड़ गया सबके में लिकाड़ लिया। सेठ का कुणबा सुत्या पड़ा है, वो कुत्ता जागे देख लेता है चोर बढ़ गए तिजोरी तोड़ ली धन काट लिया। भोकता नहीं कुत्ता, समझदार था हथियार ले रहे थे हथियार। भोके थे कुत्ते ने पहले मारे अगर कुणबे ने पाछे मारे। चुपचाप देखते है कुत्ता क्या करते है चोर, सारे धन को निकाल के एक बड़े से बाटे पत्थर में बांध के चोरा ने गांव के बाहर जोड़ था उसमें दाब दिया। अब दिन लिख दिया सेठ ने तिजोरी टूटी देखी माथे में हाथ मारा, अरे बर्बाद हो गया चोर बढ़ गए बर्बाद हो गया। बैठ का माथा पकड़ कर रोने लग गया सेठ। सेठ रोवे कुत्ता कने बैठा बैठा कू 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 करे, सेठ रोवे कुत्ता कू कू करे। अब सेठ का दिमाग कुत्ते पे गया, गुस्सा आ गया भाई छड़ी ठाली, बोले रे बेईमान कुत्ते तेरे कारण बर्बाद हुआ हूं मैं, अगर तू रात को भोग जाता तो मैं चोरों को पीट पीट के भगा देता, अरे तेरे कारण बर्बाद हुए हो। छड़ी मारने लगा छड़ी पे छड़ी छड़ी पे छड़ी छड़ी पे छड़ी, छड़ी खाता रहा कुत्ता। लेकिन सेठ ने न्यू कह दे रहे बेईमान कुत्ते तू बेईमान, तेरा लक्की बन जा रहा बेईमान, 20,000 लेके गए आए कोने हो मेरे तक। जब बनजारे को बेईमान कह दिया कुत्ते की आंखिया में परल सु लिकड़ गए। कुत्ते ने सेठ की धोती का पल्लू मुंह में पकड़ा और खेचे और सेठ छड़ी मारे। एक समझदार आदमी ने बोला रे सेठ रुक जा मारे ना, यो कुत्ता तेरे तक मैं कहना चाहवे है सुन इसकी बात। कुत्ते ने धोती का पल्लू पकड़ के खेच के गांव के बाहर जोड़ पे ले गया, हर जोड़ में तो सारा धन लिकाड़ के सेठ के पाए में धर दिया। भाई लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, जब तमड़ी तलक संभाला लेकर के सेठ का जुकर दूसरा जन्म हो गया हो। कह तो कुत्ते के छड़ी मारी हिब तो कुत्ते का मुंह चूमा, आए रे कुत्ते साची कहता तेरा बन जा रहा 20,000 को ना तेरे तो 20,00,000 भी थोड़े से सजनों। जब दोबारा बन जा रहे का जिक्र करया कुत्ते की आंखें में फिर परल परला सु आ गए। वो समझदार आदमी उड़े खड़ा ने बोला रे सेठ तने एक बात नोट करिए, जब जब तू बनजारे का नाम लेता है ये कुत्ता रोने लगता है, अरे कहीं ना कहीं इसका आत्मिक लगाव है बनजारे में और उसका भी होगा। देखे आज ये कुत्ता ना होता तू ब्याह मरे भाई रे। कितने रुपये 20,000, अरे कितने करोड़ रुपए का तेरा फायदा कर दिया इस कुत्ते ने, दे दे बनजारे को। सेठ ने मुनादी करवाई, 1 महीने तक बनजारा नहीं आया। मन में सोचता सेठ बेचारे पे पैसा नहीं बने होंगे भाई न्यू नहीं आया। किसी ने बताया कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। एक चिट्ठी लिखता है भाई लक्खी बनजारे मेरे से जो तू 20,000 लेकर गया मेरे आए हो गए, तने और चाहिए तो और ले जाना, इस कुत्ते को देने का तो मन नहीं है लेकिन मेरी आत्मा कहती है इसका प्यार तेरे में तेरा इसमें है, मैं ये पाप नहीं कमाना चाहता, इस कुत्ते को मैं तेरे को फ्री में देता हूं और तने कदे भी जरूरत पड़े मैं तेरा छोटा भाई सु कदे भी आ जाइए। ये चिट्ठी लिख के कुत्ते के गले में बांध दी, कुत्ते का मुंह चूम के
विदा कर दिया कुत्ता। सजनों लगभग 8 दिन तक बताते कुत्ता आगरा नगरी के अंदर घूमता है, लेकिन बंजारे का कई ठोट ठिकाना को नया। 9वें दिन कुत्ता आगरा नगरी से निकला दिल्ली रोड की तरफ को। बिल्कुल सच्ची कहानी है। मथुरा और आगरा के बीच एक गांव पड़ता है मर्रोली। मर्रोली गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। उस गांव में बढ़ जाता है कुत्ता जाके। अपने मालिक के होने का आभास होता है कुत्ते को। गली गली में घूमया तो गांव का जो देशी कुत्ते उनसे ओपरा कुत्ता आ रहा है। सारे कुत्ते गए लोलिए भो भो करके। किसी ने टांग पाड़ ली, किसी ने कड़ा झोरा मार दिया, किसी ने नाड़ पाड़ ली, लेकिन अपने मालिक से मिलने की चाह में कुत्ता भागा 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 अंततः उस गली में पहुंच जाता है जहां लक्खी बंजारा था। लक्खी बंजारा देखा सजनों कुत्ते की छाती भर आई। 352 सरकी का मालिक लक्खी बंजारा आज बेचारा मुसीबत के दिनों में चिड़ाई का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अपने मालिक को देख करके कुत्ता ऊपर को मुंह करके हुक मारता है। उधर बंजारे ने देखा, रे ये तो तेरला कुत्ता है। एकदम तो सजनों काली मान गया, बोले रे बेईमान कुत्ते दिखा दी जात। अरे मैं एक टाइम की रोटी खाता हूँ, एक एक रुपया जोड़ रहा हूँ, तेरे को छुट्टा के लाऊंगा और तू बाज के आ गया, तेरे को शर्म आनी चाहिए। और लोगो देसी कट्टा रखता था, देसी कट्टा अपना कट्टा लिखाड़ा और कुत्ते के दड़ दी गोली मार दी, कुत्ता उठे खत्म हो गया। क्या कहानी गया, फिर उठे मिलिया बन जा रहा है। 5, 7, 10 कोस गया जग उठे मिलिया बन जा रहा। ये बन जा रे ने हीण जान के, बन जा रे ने हीण जान के, कुत्ता जीत मारा, कुत्ता जीत मारा। फिर गल में बंधी चिट्ठी देखी, अरे हाथ फेर पुचकार लोगो। गल में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फेर पुचकार। एक गोली लागते कुत्ते के चांद को न पाओगे। मेरे क्या कुत्ता बेचारा कोट जी था। अब लक्खी बंजारा सोचता है तो तेरा ही कुत्ता लाडला था, पर ससुर ने काम गलत करया है। अपने हिंदू धर्म में एक परंपरा है सजनों, मरे हुए जीव को मिट्टी दो या फिर अग्नि दो। लक्खी बंजारे ने गड्ढा खोदा और गड्ढे में कुत्ते की लाश को डाल दिया। ऊपर तो माटी गिरने लगा तो गले में लोगों कागज दिखाई दिया। मिट्टी हटाके वो कागज वो चिट्ठी लिखाड़ी और वो चिट्ठी पड़ी, हाय रे यो के कर दिया तने। उस दिन कहावत बनी के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और फिर पछताए कि ये जो चिड़िया चुगी खेत। नौजवानों डांस देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोई ज्ञान की बात लिख रहा है उसके बाद में आप अपने जीवन में धारण करो तो वो डांस भी बढ़िया है। मेरा मानना है, देखो जो पुरानी रागनी है इस रागनी के ये सीख मेरे जीवन में उतार लेना, पूरे प्रोग्राम सफल है, मेरा गाना ही सफल है। कोई भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी भी झूठी हो सकती है, कानों सुनी भी झूठी हो सकती है। अरे भगवान ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, इसका उपयोग करो। पेशेंस धैर्य रखो। मौन सबसे बड़ा भाषण होता है। सारे 10 आदमी है, 10 आदमी जोर जोर के बोल रहे, 11वां चुप है। बोल के जब थक जाएंगे तो 11वीं की तरफ देखेंगे, 11वां जो कहेगा वो बात मान नहीं जाएगी। इसी प्रकार हमेशा पेशेंस से काम लो। पंडित जी ने यही बात बताई, जिसने धैर्य रखा वो कामयाब है,
और जो आदमी तुरता फुरती काम करे है उन्हें रोज उकर बन जा रहा रोया खुद ने मार गए। चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया, चिट्ठी पढ़ के रोवन लग गया, रागनी गा के रोवन लग गया, लक्ष्मी चंद जाटिया छतरी रजपूत जात के।